हम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही महंगाई को लेकर यहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार से प्रश्न पूछ रही है। तिरंगा पद यात्रा निकालकर यहां विरोध जताया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता आक्रोशित है, तो यहां विपक्षी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच तिरंगा पद यात्रा निकालकर विरोध जताते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गृहिणियां काफी परेशान नजर आ रही हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तिरंगा पदयात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। ये यहां तस्वीरें तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और हाथों में बैनर नजर आ रहे हैं, जहां वो महंगाई संबंधित स्लोगन लिखे हुए हैं। केंद्र सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। इसके चलते उन्होंने लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तिरंगा पदयात्रा निकालकर यहां विरोध जताया है। तो संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कांग्रेसी कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी बीच गुरुग्राम में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। क्या अपडेट, क्या जानकारी? संजय, यहां कांग्रेसी कार्यकर्ता महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो उसके चलते आज कांग्रेस नेता और जो कार्यकर्ता है उन्होंने गुरुग्राम में एक प्रोटेस्ट किया। आज जो बीजेपी सरकार है उसको घेरा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन महंगाई बढ़ रही है और हाल ही में डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, उससे जो आम जनता है उसकी जेब पे काफी भारी असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम में बढ़ोतरी होने के बाद जो एक रसोई का जो एक किचन का जो हाल है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, तो ऐसे में आज बीजेपी सरकार को घेरते हुए तमाम कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में आज तमाम कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में एक प्रोटेस्ट किया और राजीव गुरुग्राम के राजीव चौक पर उसको समाप्त किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आए दिन जो सरकार हम दूसरी तरफ बात करें तीन कृषि कानून बिल और दूसरी तरफ एक महंगाई की जो मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है, तो इसी के चलते आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में एक पैदल मार्च करते हुए सरकार के विरोधी नारे भी लगाए थे। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो ये तिरंगा पदयात्रा जो कि कांग्रेस नेताओं की ओर से निकाले गए कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में ये विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, जबकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तिरंगा पदयात्रा निकालकर यहां विरोध जताया गया, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त नजर आ रही है। यहां पर प्लेस बैनर लेकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां वो महंगाई संबंधित स्लोगन भी लिखकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि इस वक्त गुरुग्राम से सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता त्रस्त है और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सत्तासीन पार्टियों से प्रश्न पूछती हुई नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम खबर, तिरंगा पदयात्रा निकालकर यहां विरोध जताया। कैप्टन अजय यादव के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां नजर आ रहे हैं और जो कि तिरंगा पदयात्रा निकाल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और यहां महंगाई संबंधित स्लोगन देखिए किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता उन स्लोगन्स को लिखे हुए हैं और यहां महंगाई को लेकर लगातार किसान नेता सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। हालांकि सियासत इस मुद्दे पर लगातार हो रही, लेकिन समाधान को लेकर कोई बातचीत नजर नहीं आ रही है। इसी बीच केंद्र सरकार का यही कहना है कि इससे महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लोगों को भी लाभ होगा,
कि भविष्य में सरकार की ओर से जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो बजट का खाका तैयार किया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की